नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आप सभी ने डॉक्टर अम्बेडकर की कई सारी मूर्तियां देखी होंगी, कई सारे उनके भाषण सुने होंगे और कई सारे आप मेले में भी गए होंगे। जगह जगह पर हर त्योहार पे अनेक प्रकार के मेले लगाए जाते हैं। उस मेले में बहुत ही धूमधाम से मेले लगाए जाते हैं, भीड़ भी बहुत होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ खास किस्म के मेले के बारे में, चलता फिरता डॉक्टर अम्बेडकर का मेला क्या था, कहाँ से शुरू हुआ था, क्यों हुआ था। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है सोबरन सिंह जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका आपके एस एम न्यूज चैनल का, और जो लोग दर्शकगण मुझे देख रहे हैं उनका भी आभार। जी, आज सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये डॉक्टर अंबेडकर का चलता फिरता मेला क्या था, क्यों ऐसे इसको बोला गया कि चलता फिरता डॉक्टर अंबेडकर मेला, और इस मेले के अंदर क्या-क्या होता है। ऐसा था कि जब मानवर कांशीराम साहब ने अपनी मिशन मूवमेंट शुरू की और उसको महाराष्ट्र से खास तौर से उत्तर भारत की तरफ लेकर आए, तो उन्होंने पेंटिंग्स बनवाई थी एक पेंटर से 35-40। जिस तरह आजकल जुर्म जाती होती हैं, उस दौर में भी जुर्म जाती होती थी पूरे देश में, तो उन पेंटिंग्स का विषय था जुर्म जाती। और अंबेडकर मेला चूंकि बाबा साहब की मिशन को आंदोलन चला रहे थे, तो इसलिए अंबेडकर मेला उनका नाम रखा था। लेकिन उसका जो पेंटिंग्स का विषय था, तो वो था भारत के सामाजिक परिवर्तन का इतिहास। तो मानवर कांशीराम साहब का ऐसा मानना था, तो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरे फादर दिल्ली में कश्मीरी गेट पे कंस्ट्रक्शन ऑफिस में, रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑफिस में काम करते थे। उनके साथ एक रतन लाल जी काम करते थे। तो रतन लाल जी इस मिशन मूवमेंट से बहुत करीबी से जुड़े हुए थे, कांशीराम साहब के बहुत ही नजदीक, बहन जी के बहुत नजदीक थे। तो अक्सर हमारे पिताजी से अन्याय अत्याचार की, मानवर कांशीराम साहब की, बहन जी की बातें करते रहते थे। तो ये 80 के दौर की बात है। तो उन्हीं दिनों हमारा बहुजन संघ का अखबार चालू हुआ था, 14 अप्रैल सन 84 को। तो वो हमारे फादर को अखबार देने लगे, 50 पैसे का। उन्होंने वो साप्ताहिक अखबार आता था, सोमवार को निकलता था। खैर, तो जब उसको फादर पढ़ते थे, तो वो देखते थे कि इसमें पूरे अखबार में जुल्म जाति अत्याचार की घटना होती है। तो और वो रतन सिंह भी इस तरह की बातें करते थे। तो हमारे फादर ने कहा, इस अखबार तो आपने देना शुरू कर दिया, इसमें है तो कुछ नहीं है, जुल्म अत्याचार की बातें होती हैं। तो उन्होंने बताया कि अरे, इस पर तो हमारे मानवर कांशीराम साहब ने एक पूरी प्रदर्शनी लगा रखी है। तो हमारे फादर ने कहा कि प्रदर्शनी लगा रखी है, तो पहले तो आप मानवर कांशीराम साहब और बहन मायावती का बड़ा जिक्र करते रहते हो, तो पहले मिलवाओ उनसे। तो जिस दिन पिताजी ने कहा, उसी दिन 2 घंटे बाद बोली ले आए पिता ऑफिस में मानवर कांशीराम साहब और बहन जी को। तो यही बात हमारे पिताजी ने कहा कि आपका हम पेपर लेते हैं, और हमें तो आपके पेपर में कुछ अच्छा लगता नहीं है, सिर्फ जुल्म जातियों की खबर होती है। तो मानवर कांशीराम साहब ने हमारे फादर से कहा कि ऐसा है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, तो वो अपनी जंजीरें तोड़ने के लिए बेकरार हो जाएगा। अभी मैं इस भारत में जो हमारा दलित सोच समाज है, उसको एहसास ही नहीं है कि हम गुलाम हैं, जबकि भारत आजाद हो चुका है, लेकिन हमारा दलित शोषित समाज आज भी गुलाम है। उस पर अन्याय अत्याचारों की इंतहा है, और ये कुछ मुट्ठी भर लोग उस पर अन्याय अत्याचार करते हैं। तो जो हमारे देश में अन्याय अत्याचार हुए हैं, उसी की मैंने एक प्रदर्शनी बनाई हुई है, और उसमें 30-40 पेंटिंग है। मैं जहां जाता हूँ उस प्रदर्शनी को ले जाता हूँ। तो ये उस तरह बताया। खैर, तो अब मैं बताना चाहूंगा कि इसके बारे में तो बहुत कुछ मालूम प्रदर्शनी का, तो मैं खास तौर से आज आपके चैनल को बताना चाहता हूँ कि वो जो कलाकृतियां बनाई थी, 35-40 थी, शुरू में 35 थी, 4-5 बाद में बढ़ गई, लेकिन शुरुआत के दौर में 35 बनी थी। तो वो एक श्री प्रकाश पाटिल जी थे, युवा मेरी उम्र के ही थे, और उनसे करीब, मुझे जहां तक याद पड़ता है, 6 अक्टूबर
ब्याशी को मेरी करोलबाग की कार्यालय में, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय हुआ करता था, तब तो ब्यासी में बहुजन समाज पार्टी बनी नहीं थी, डीएस फोर थी। तो मैं इटावा से, चूंकि रेलवे में था मैं भी, तो प्राय मेरा महीने 2 महीने में आना जाना लगा रहता था करोलबाग के कार्यालय में। तो वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, प्रकाश पाटिल जी और मैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तो नीचे उतर के हमारे हमारे दोनों का परिचय होता है। तो वो मुझे खुद ही बताते हैं कि मैंने ही ये पेंटिंग बनाई है और आपने देखी होंगी, क्योंकि मैं पेंटिंग वो देख चुका था चंडीगढ़ में, तो इसलिए मुझे मालूम था। चंडीगढ़ थर्ड नेशनल कन्वेंशन जब हुआ था 14 अक्टूबर सन 81 को, उसमें मैं गया था, तो वो प्रदर्शनी वहां भी लगी लगाई थी, तो वहां मैं देख चुका था। हमने बताया आपकी पेंटिंग तो बहुत बढ़िया है, तब उन्होंने फिर अपना बताया कि मैं मैट्रिक में तो फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद मेरा रुझान चूंकि पेंटिंग की तरफ था, तो जी मैंने नागपुर में पेंटिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। उसके बाद बनारस में एडमिशन लिया और मेरी पेंटिंग में बड़ी रुचि है, और क्योंकि रुचि होने के कारण अब मुझे भारत सरकार छात्रवृत्ति पे वो फ्रांस भेज रही है, तो वो के 3 दिन बाद मैं फ्रांस जाने वाला हूँ, तो मुझे मुझे बड़ी खुशी हुई। तो 9 अक्टूबर को वो फ्रांस चले गए थे, तो उन दोनों कंसराम साहब ने 3 बड़े बड़े अधिवेशन कर चुके थे, और भाम सेफ के कांशीराम साहब के नेतृत्व में 3 ही अधिवेशन हुए हैं, और राष्ट्रीय अधिवेशन और अंतिम जो अधिवेशन था वो चंडीगढ़ में हुआ था। तो उनके जो मेन गेट थे वो सब मतलब ये प्रकाश पाटिल जी बनाते थे, और ये मूलतः रहने वाले थे बल्लारपुर, जिला चंदपुर, महाराष्ट्र के। जी तो ये क्यों बनारस यूनिवर्सिटी में, काशी विश्वविद्यालय में इनका पेंटिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया था, तो वहां जाना आना, और यहाँ दिल्ली, फिर दिल्ली ही मतलब कांशीराम साहब के साथ जुड़ गए, तो दिल्ली फुल टाइम डिवोटी हो गए भामसेफ में। और तो इस तरह की बातें थी। तो मैं बताना चाहूंगा कि इन पेंटिंग्स का हमारे आंदोलन पर बहुत असर पड़ा, और जब मैं उरई साहब को लेने गया तो 11 22 अप्रैल को इटावा लाया उरई से, तो वो प्रदर्शनी साहब ने वहां भी लगा रखी थी, और जब मैं ले तो इसको बाद में लोग कहने लगे चलता फिरता अंबेडकर मेला, तो ये चलता फिरता अंबेडकर मेले के नाम से मशहूर हुआ। और जो हमारा अखबार बहुजन संगठक 14 अप्रैल सन 84 से शुरू हुआ था, उसमें इस मेले के बारे में विस्तृत रिपोर्ट हुई, और सबसे पहले अंक में इस मेले के बारे में ही डिटेल में लिखा था। चूंकि कांशीराम साहब वैज्ञानिक थे, उनकी सोच भी वैज्ञानिक हुआ करती थी, तो इसलिए ये उनके दिमाग की उपज थी, और इस मेले से हमारे आंदोलन को, चूंकि लोगों को एहसास हुआ कि हम इस मुल्क में गुलाम हैं, गुलामी का एहसास हुआ, तो उन्होंने लोग मतलब उठ खड़े हुए और कांशीराम साहब के साथ जुड़ते गए। तो इस मेले का इस तरह बहुत असर पड़ा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र जागरूक तो बहुत है, इसमें कोई बाबा साहब को मानता भी बहुत है, लेकिन बाबा साहब ने एक सोच दी थी राजनीतिक सत्ता पे काबिज होने की, उसमें महाराष्ट्र पिछड़ता रहा। तो कांशीराम साहब ने वहां बड़ा प्रयास किया आरपीआई दलित पैंथर के साथ रह के, लेकिन वो मतलब सफलता नहीं मिली, तो निराश होकर कांशीराम साहब उत्तर भारत की तरफ आए, और दिल्ली में उन्होंने करोलबाग में अपना कार्यालय बनाया। और इस तरह जब यहाँ उत्तर भारत में उन्होंने शुरुआत की, तो सबसे पहली उनकी शुरुआत इस मेले की ही थी। और मैं जो अधिवेशन बता रहा हूँ, तो जो हमारे भामसेब के अधिवेशन हुए थे उनकी सभी पेंटिंग्स, और खास तौर से मुख्य द्वार की पेंटिंग जो होती थी, ये हमारे प्रकाश पाटिल जी करते थे उन दोनों, और इन्होंने तमाम सारी वॉल पेंटिंग्स भी की। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब ये मेला कि साहब प्रदर्शनी लेके चलते थे कहीं, साहब उन दिनों ये दौर रहा कि साहब जहां भी जा रहे हैं, साहब का जहां भी प्रोग्राम है, जहां भी बात कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शनी उनके साथ है। और चूंकि उन दिनों मतलब संसाधन थे नहीं, तो साहब किराए की जीप या गाड़ी या जो भी लेके चलते थे, तो उसी में ये पूरी प्रदर्शनी रख लेते थे साहब। तो मैं आपको बताऊं, जब उरई से हम लोग जीप से आए थे, तो जीप में ये 40 पेंटिंग रखी गई, तो हम लोगों को बहुत मुश्किल हम लोग बैठ पाए, पीछे तो बिल्कुल जगह ही रही नहीं,
पूरी मतलब जीभ भर जाती थी। जी तो इस तरह का रहा, और शुरुआत में जब ये साहब ने शुरू किया तो पूरे जी उत्तर प्रदेश के 9 राज्यों में इस मेले को लगाया और नौ नौ राज्यों को टच किया, और वो सर, राज्यों जैसे भी आपने बताया है जो प्रदर्शनी के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो प्रदर्शनी लगाई गई थी किस किस जगहों पर लगाई गई थी? हाँ। तो ये प्रदर्शनी नंबर एक ये कि ये प्रदर्शनी उत्तर भारत के 9 प्रांतों में लगाई गई थी, जिसने पूरा उत्तर भारत कवर कर लिया था। और उनका मैं बताऊंगा जो प्रांत है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, और इनमें करीब 34 स्थानों पर फर्स्ट फेज में ये 34 स्थानों पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। और उसके बाद ये था कि साहब का जहां भी भाषण होता था तो वहां ये प्रदर्शनी लगाई जाती थी। और जी उससे पहले नागपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, ये अधिवेशन हो चुके थे बड़े बड़े मामसाहेब के, तो उनमें ये प्रदर्शनी लगाई गई। और इन प्रदर्शनियों का बड़ा आकर्षण होता था, लोग भाषण सुने या न सुने लेकिन इन प्रदर्शनियों को जरूर देखते थे। तो इन प्रदर्शनियों का हमारे आंदोलन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। जी तो इस तरह ये मतलब हमारे आंदोलन का माइलस्टोन रहा, और इससे बहुजन समाज बड़े पैमाने पर तैयार हुआ। और आजकल तो लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब यानी किस तरह कांसीराम साहब ने बहुजन समाज तैयार किया। तो जो वो कहते थे, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, तो जी इस तरह वो जब एहसास कराया तो दलित शोषित समाज उनके साथ जुड़ता चला गया। लेकिन जी आजकल हमारे जो युवा हैं उनको चाहिए कि अभी भी मतलब हालात तमाम बदले नहीं है उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे हैं आए दिन जुल्म ज्यादती हो रही है। ये बहन जी की सरकार थी, इसी समय मतलब बहन जी की 4 दफे सरकार रही तो इसी समय जुल्म ज्यादती ना के बराबर हो गई थी बहन जी, और इसीलिए बहन जी याद की जाती हैं व्यवस्था के नाम पर। तो चूंकि बहन जी ने मतलब शुरू से ही ये प्रदर्शनी देखी थी और इसी प्रदर्शनी को देख देख के बहन जी तैयार हुई थी, तो ये सब बातें थी। तो हमारे युवाओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए और बहुजन समाज बनाना चाहिए। ये प्रदर्शनी देख के हम बहुजन समाज अच्छी तरह बना सकते हैं, और तमाम मुद्दे अब भी इस तरह के हैं जो मतलब ज्यों के तो उस टाइम से हैं। जैसे अभी फिलहाल मैंने बताया कि अभी जो बैकवर्ड है बहुजन समाज का बड़ा हिस्सा, जो 52%, तो होता क्या है कि जुल्म ज्यादती करने वाले 15% नहीं होते हैं, वो 52% को इस्तेमाल करते हैं, हमारे भाइयों को ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो ही जुल्म ज्यादती करते हैं। आपको अगर याद हो कि कांग्रेस की जब हुकूमत हुआ करती थी तो मलियाना, मेरठ और मुरादाबाद बड़े बड़े कांड अल्पसंख्यकों के साथ हुए, और ये कांड करने वाले कौन थे, इसमें मूलतः दलित शोषित समाज के लोग हुआ करते थे। कांग्रेस इनको तैयार करती थी, आपस में लड़ाती थी, दूर से मजा लेती थी। लेकिन जब यानी इस प्रदेश में बहन जी की हुकूमत बनी तो ये, और बहन जी ने भाईचारा, कांतिराम साहब ने भाईचारा के आंदोलन चलाए, तो भाईचारा के जब आंदोलन चले तो ये जुल्म ज्यादती रुक गई। और बहन जी के कार्यकाल में, खास तौर से जब बहन जी का पूरा स्पष्ट कार्यकाल था 7 से 12 तक, आप कोई भी घटना नहीं बता सकती कि किसी के साथ इस तरह की जुल्म ज्यादती की घटना हुई हो। तो जी वो भी मतलब वो इसीलिए क्षमा चाहूंगा। हाँ सर, जो आपने भी जो प्रदर्शनी के बारे में बताया है तो वो किस मकसद से निकाली गई थी, कहाँ जो लगाई गई थी, आपने बताया है क्यों लगाई गई थी, क्या सोचकर लोग ये बनाई थी पेंटिंग, वह बताएं। ये पेंटिंग ये सोचकर बनाई थी कि जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया, मानवर साहब का मानना था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वह अपनी जी बेड़ियां तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात को ये एहसास करा रहे थे कि भारत आजाद जरूर हो गया है लेकिन आपकी जी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, आप पर जुल्म ज्यादती रुक नहीं रही है। तो उनका क्योंकि ये पेंटिंग बनाई गई थी और कोई रचनात्मक
पेंटिंग्स होती है इस तरह की, तो वो मस्तिष्क पर मुंह से कहने वाली बात उतना असर नहीं करती है जितना दिखाई देने वाली बात करती है। उसमें एक पेंटिंग ये थी कि मतलब एक का बैल मर जाता, मार दिया जाता जहर दे के। तो जब बैल मार दिया जाता है, दो बैल होते हैं खेत में जुताई करने के लिए, दो बैलों की आवश्यकता होती है। तो एक ग्रामीण, और ग्रामीण क्या मतलब खुद मतलब दूसरे बैल की जगह लग जाता है और उसकी पत्नी मतलब हल चलाती है। तो इस तरह दर्दनाक और जीवंत पेंटिंग थी, तो जी आदमी का दिल दहल जाता था उन पेंटिंगों को देख के। और दिल जब दहल जाता था तो वो अपने आंदोलन के लिए तैयार हो जाता था। इस तरह मतलब पहले कांतिराम साहब ने दलित शोषित समाज को तैयार किया, और इस तैयार करने के मकसद से ये पेंटिंग बनाई गई थी। और इससे समाज में बड़ा भारी संदेश गया, और उत्तर भारत में खास तौर से लोग जुड़ते ही गए। और चुप जुन जाति आप देख रही हैं आजकल भी, मतलब उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर हो रही है, जब से ये यहाँ योगी जी की, देश में मोदी जी की सरकार बनी है। क्यों, मीडिया पर इनका आधिपत्य है, तो जितनी जुर्म जाति होती हैं उतनी आ नहीं पाती हैं। तो उस टाइम भी नहीं आ पा रही थी समाचार पत्रों में, तो मानवर कांशीराम साहब खोज खोज के उन चीजों को ला रहे थे कि कहाँ क्या हुआ। तो उनको खोज के, और ये जो हमारे प्रकाश पाटिल जी थे उनको बताते थे कि इस पर आप पेंटिंग बनाइए। तो इस तरह बनते बनते वो करीब 40 पेंटिंग हो गई थी। तो इसलिए ये मतलब आंदोलन चलाया था। और जहां तक फिर उसके बाद 34 तो विधिवत प्रोग्राम हुए थे, कांतिराम साहब ने चार्ट आउट करके बनाए थे, तो वो तो विधिवत। उसके बाद कांतिराम साहब का उत्तर प्रदेश में कहीं भी प्रोग्राम होता था तो वो पेंटिंग हमेशा कांतिराम साहब के साथ रहती थी। तो इसीलिए उनको चलता फिरता मेला कहा गया। अब आपको बताएं तो इन सब चीजों से हम लोग भी बड़े प्रेरित हुए, मानवर कांतिराम साहब के ये आंदोलन देख के। तो ये प्रेरित हुए कि हमने फिर 82 में हमारी बामसे पिनट ने वहां पर अंबेडकर मेला लगाया। बाबा साहब के हमारे यहाँ एक मूर्ति है, तो उसके पास जी उन दिनों एक ही मूर्ति होती थी, अब तो मूर्तियां बहुत हो गई हैं शहर में। तो जब मेला लगाया तो वो स्टेशन के पास कलेक्टर चौराहा कहलाता था उन दिनों। और तो उस दिन बाय द वे शरद यादव जी तब युवा थे, वो हमारे यहाँ आ रहे थे। तो स्टेशन से जैसे ही निकले तो हमारी पेंटिंग लगी हुई थी, जाना तो क्योंकि वो उन दिनों लोकदल में होते थे तो जाना तो उन्हें मुलायम सिंह के यहाँ था। तो लेकिन वो वहां ना जाके चूंकि रौनक देखी तो हमारी पेंटिंग देखने आ गए। हम लोगों ने भी अपने स्थानीय पेंटर से 30-35 पेंटिंग बनवाई थी और उस प्रदर्शनी में लगाई थी। तो और कुछ भोजन संकटक भी रखे हुए थे वहां जमीन पर। तो जब वो हमारी प्रदर्शनी देखने आए तो गेट पे बाल्टी फोर्स यूनिफॉर्म में खुद ही खड़ा हुआ था, तो मुझसे भेंट हुई। तो मैंने खुद ही उनको पूरी प्रदर्शनी दिखाई, और देखने के बाद जब आगे उनकी निगाह पड़ी भोजन संकटक पर, तो उन्होंने कहा कि मानवर कांशीराम साहब भी मुझे भी भोजन संकटक भेजते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने इटावा में प्रदर्शनी लगाई तो हमारे देख देख के और आसपास के डिस्ट्रिक्ट वालों ने ये प्रदर्शनी बनवाई। तो फिर एक दौर चल गया था, तो जो उत्तर प्रदेश तैयार हुआ है, इस तरह तैयार हुआ है, लोग सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश क्यों तैयार हो गया। तो जो उस प्रदर्शनी से हम लोगों ने सीख लेके, और चूंकि इटावा में लगी तो इटावा से फिर कानपुर, फरुखाबाद, आगरा इत्यादि लोगों ने भी सीख लेके अपने अपने खुद बनवा के पेंटिंग और ये प्रदर्शनी लगवाई। तो इस तरह मेरा आंदोलन, हमारा बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन बढ़ा। और उस दिन मुझे खूब अच्छी तरह याद पड़ता है कि ये प्रदर्शनी देख के शरद यादव जी भी भाव विभोर हो गए थे और कहने लगे थे कांतिराम साहब इस मुल्क में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं उनकी काम की कद्र करता हूँ और उनके आंदोलन जी की सफलता की कामना करता हूँ। इस तरह से मतलब हमारा आंदोलन बड़ा है, क्योंकि कांतिराम की सोच वैज्ञानिक थी, क्योंकि वैज्ञानिक रहे थे तो नई नई सी चीजें सोचते रहते थे। तो इसलिए ये प्रदर्शनी उन्होंने लगाई थी। और मैं अच्छा, उस दौरान प्रकाश पाटिल जी थे जिन्होंने ये प्रदर्शनी बनाई थी, इन्होंने ही ऑप्रेस्ट इंडियन और बहुजन संकट में कुछ कार्टून भी निकलते थे उन दिनों। तो एक जगीर जी राम का कार्टून बनाया था, और जिस तरह हम मानवर कांशीराम साहब का मानना था कि ये पुना पेक के बाद हमारा जो हमारे नेतागण है वो चमचा बन गए, तो उसी तरह का एक ऑपरेस्ट इंडियन में
जंगियों नाम का कार्टून भी छपा था और हमारी तमाम पत्रिकाओं, ये प्रकाश पाटिल जी के सब बनाए हुए उन दिनों फोटो छपते थे। और चंडीगढ़ का मैं बताना चाहूंगा, चंडीगढ़ का जो जी अधिवेशन हुआ था 14 अक्टूबर सन 81 से 5 दिन का, 18 अक्टूबर 81 तक का, तो उसका मेन गेट जो बनाया था इन्होंने पाटिल ने, तो पेंटिंग का, चूंकि उन दिनों मोबाइल चलते नहीं थे और फोटोग्राफी बहुत महंगी थी तो फोटो भी नहीं, जी लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब गांधी जी से जब बात करते थे तो कहते थे आपकी जो व्यवस्था है इतर है ऊर्ध्वाधर है, इसमें ऊपर जी ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है और फिर वैश्य है, नीचे शूद्र है, मैं चाहता हूँ व्यवस्था इस तरह। हाँ, तो गांधी जी कहते थे नहीं हमारी व्यवस्था सही है। खैर, तो जी उस जो चंडीगढ़ की प्रदर्शनी थी, जो चंडीगढ़ का प्रोग्राम का मेन गेट था, तो कांशीराम भी चाहते थे ये सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा उसके मेन गेट में इस व्यवस्था को इस तरह दिखाया गया था, ब्राह्मण को नीचे दिखाया गया था, उसके बाद क्षत्रिय को दिखाया गया था, उसके बाद वैश्य को दिखाया गया था, सबसे ऊपर शूद्र को दिखाया गया। तो मंशा प्रकट कर रहा था मानवर कांतिराम जी कि बाबा साहब समाज की सामाजिक व्यवस्था समान व्यवस्था चाहते थे, अगर ये समान व्यवस्था नहीं हुई तो मैं इस व्यवस्था को उल्टी कर दूंगा। तो उससे मतलब वहां बहुत चंडीगढ़ में असर हुआ और वहां जो वामसेप के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए वो दूर दूर तक संदेश लेके गए, वो जो गेट था अब तो लोगों को मालूम ही नहीं, चुनिंदा लोग पहुंचे थे, तो दूर दूर तक संदेश गया कि कांशीराम साहब की मंशा जो है वो बाबा साहब से भी कहीं ज्यादा है, कि जो व्यवस्था ऊर्ध्वाधर है वो अगर समान नहीं होती है तो कांशीराम साहब इसको उल्टा करने की भी मंशा जी रखते हैं। तो ये सब प्रदर्शनी में समझाया गया जी था। और इसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि चूंकि ये प्रदर्शनी की बात हो रही है, अन्याय अत्याचार की बात हो रही है, जी तो आज भी जो बहुजन समाज का बड़ा हिस्सा है, ओबीसी हम जिसे कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसकी आबादी मंडल कमीशन ने 52% बताई है, तो ये तो 80 में रिपोर्ट आई थी तब 52% थी, लेकिन अब तो वो कहीं कहीं तो और ज्यादा 55-60% तक पहुंच गई है। तो जो सन 80-81-82 में मानवर साहब कांशीराम बता रहे थे कि जो बड़ा हिस्सा जी ओबीसी का है इस पर अन्याय अत्याचार तो कम हो पाते हैं, इसलिए कम हो पाते हैं कि इसे इन्होंने 15% वालों ने अपने साथ मिला लिया है, इनको सचूत कर दिया है और हमको अछूत कर दिया है, दो विभागों में सूद को बांट दिया, टचेबल अनटचेबल, तो हम अनटचेबल है, तो अन्याय अत्याचार अनटचेबल पर ये टचेबल करता है, तो इन पर अन्याय अत्याचार कम होते हैं लेकिन ये महसूस नहीं कर पाते, इन पर जो अन्याय अत्याचार होते हैं वो दूसरी तरह से होते हैं, वो मैं बताना चाहूंगा वो किस तरह से होते जी हैं, कि जैसे सन 82 में कांशीराम साहब ने आकलन किया, ये आंकड़े कहीं आते नहीं है, तो आकलन जी किया कि इनके जो सांसद थे पार्लियामेंट में मुश्किल से 50 सांसद भी नहीं थे, 50 का मतलब 7-8% से ज्यादा नहीं थे, और आज पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है तो इनको सब पार्टियां जो टिकट दे रही हैं बैकवर्ड क्लास का, वो 7-8% टिकट दे रही हैं, जी बाद बाकी जो कायस्थ और ब्राह्मण है उनको टिकट दिए जा रहे हैं, इनका मतलब 45% में 7-8% दे के करीब करीब 42% हक मारा जा रहा है। जी तो ये हमारे युवाओं की, बहुजन समाज के युवाओं की नैतिक जिम्मेदारी है वो ओबीसी को बताएं, क्योंकि इनके जो नेतागण हैं वो इस बात को समझते नहीं, इनका हिस्सा मारा जा रहा है और उनका उन्हीं पार्टियों का ये समर्थन करते हैं, तो ओबीसी इस मुल्क में बहुत गहरी निद्रा में सो रहा है, और इसी को जगाने के लिए मानवर कांशीराम साहब ने इनसे समझौता किया था, मुलायम सिंह जी से। और आपको आज एक दिलचस्प उदाहरण आपको सूचना देना चाहता हूं कि ये जो आज मोदी जी हैं ये भी कभी इनकी भी चाहत थी बहुजन समाज पार्टी में शरीक होने की, ये मतलब बात बड़ी अनूठी लगेगी, और इसी चाहत के पीछे लोग कहते हैं बहन जी ने तो 2000 में गुजरात में प्रचार किया मोदी जी का, तो उसके अंदर उसके जो पीछे पृष्ठभूमि थी वो ये थी कि मोदी जी खुद भी चाहते थे कि मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाऊं, लेकिन वो देखते थे कि इसमें मुझे मायावती के होते हुए जगह नहीं मिल पाएगी, तो ये जो बहन जी
सन 2002 में वहां प्रचार करने गई थी, तो उसके पीछे ये थी। और मोदी जी जो आज कांसीराम के भजन आंदोलन से मोदी जी ने बहुत कुछ सीखा है। ये जो ये शौचालय वाली सोच है, ये मनवर कांसीराम साहब की सोच थी। एक बार किसी पत्रकार ने, ये विषय से हटके ना माना जाए, क्योंकि विषय से हटके इसलिए नहीं, ये अन्याय अत्याचार की बात हो रही है, तो इसलिए किसी पत्रकार ने मानवर कांशीराम साहब से पूछा था कि ये आप बाबरी मस्जिद की जगह अगर कुछ बनवाने का आपको मौका मिले तो आप क्या बनवाएंगे। तो कांशीराम साहब ने कहा कि मैं मंदिर मस्जिद के विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, और जहां तक अभी तो हमारे लोगों को शौचालय ही सुलभ नहीं है, मतलब हमारी महिलाओं को रात के अंधेरे में शौच के लिए जाना पड़ता है और उनके साथ तमाम दुर्व्यवहार होता है। आजकल आप पेपरों में खुद भी पढ़ रहे होंगे। तो मानवर कांशीराम साहब की शौचालय की सोच थी, और सबसे अच्छी सोच थी। इस सोच को मोदी जी ने भी ग्रहण किया और मुलायम सिंह जी ने भी ग्रहण किया। आपको ध्यान हो, मुलायम सिंह जी ने कभी कहा था कि यही बात मुलायम सिंह ने कहा था कि हमारी महिलाएं तो रात बिरात अंधेरे में शौच के लिए जाती हैं, तो मैं शौचालय बनवाऊंगा। यही कांतिराम साहब की सोच थी कि सबसे पहले हमारे व्यक्तियों को शौचालय की जरूरत है। तो अब देखिए, पेपर वाले, जब कांतिराम साहब ने ये कहा तो पेपर वाले ने, पेपर हमारे, कांतिराम साहब का विश्वास था कि पेपर हमारी जो न्यूज को है, पहले तो छापता नहीं है, ब्लैकआउट करता है, और जब ब्लैकआउट उससे नहीं होता है तो इस तरह छापेगा कि हमें ब्लैकमेल करेगा। तो ब्लैकमेल कैसे करेगा, जो कांशीराम साहब ने शौचालय वाली बात कही थी, तो उसने बाबरी मस्जिद से जोड़ दिया कि कांशीराम साहब चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के मैं शौचालय बना दूंगा। लेकिन जबकि साहब ने स्पष्ट कहा था कि मुझे मंदिर मस्जिद से कोई गुरु कुछ लेना देना नहीं है, हमारे जो बहुजन समाज है उसको सबसे बड़ी समस्या जी शौचालय की है। तो ये मोदी जी ने जो आइडिया ग्रहण किया है शौचालय वाला, ये मानवर जी कांशीराम साहब का दिया हुआ आइडिया है। और चूंकि अंदर की बात है, बहुत सी बातें साफ सामने नहीं आ पाती हैं। कांतिराम साहब ने बॉम्बे में हाजी मस्तान, जो बॉम्बे के डॉन हुआ करते थे, उनसे भी समझौता किया था। दिलीप कुमार जी को कांतिराम साहब ने कन्विंस किया था, लेकिन दिलीप कुमार जी जी ने, जो मुंबई के शेरिफ हुआ करते थे उन, लेकिन दिलीप कुमार जी ने अपने आप उन्होंने बताया था कि आपके साथ भी अन्याय अत्याचार बहुत होते हैं, और अन्याय अत्याचार जी कौन करता है, कांग्रेस करती है, जिससे आप जुड़े हुए हैं, जिसके आप शेरिफ हैं। आप इसे छोड़ दीजिए और बहुजन समाज पार्टी से जुड़िए, जी तो हम मजलूम मजलूम मिलके ये अन्याय अत्याचार खत्म कर सकते हैं। तो ये बातें जो कोई बताता नहीं, इसलिए नहीं बताता है कि अगर ये बातें बताएंगे तो बहुजन समाज पार्टी हाईलाइट होगी और बहुजन समाज पार्टी बढ़ेगी, तो इसलिए ये बातें नहीं बताई जाती है। और हम जैसे साधारण कार्यकर्ता को, मिशनरी साथियों को कोई ज्यादा मौका देता नहीं है। जो आपके माध्यम से हमें मौका मिल रहा है, तो मैं अपने मिशन मूवमेंट की बातें रख रहा हूँ, और मैं समझता हूँ इसे हमारे बहुजन युवा अच्छी तरह ग्रहण कर रहे होंगे। और इन बातों में रत्ती भर भी झूठ नहीं है, ये सब बातें सही हैं। अन्याय, कांतिराम साहब जिससे भी संपर्क करते थे तो सबको अन्याय अत्याचार की बातें बताते थे। जब उन्होंने मुलायम सिंह से की तो मुलायम सिंह को भी यही अन्याय अत्याचार की बातें बताई, और मुलायम सिंह को तो गांधी जी के बारे में बताया कि गांधी हमारे सबसे बड़े बहुजन समाज के दुश्मन है। लेकिन लोगों को कांशीराम साहब की या बहन जी की बातें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, तो इस तरह की बातें थी। अब आपके कोई और सवाल आते हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी सोरेन सिंह जी हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से कांशीराम साहब जो थे वे प्रदर्शनी बना के लगाया करते थे, मतलब कि जहां पर भी जुल्म ज्यादती होती थी समाज के साथ वहां जाते थे, फिर पेंटिंग बनवाते थे, फिर प्रदर्शनी लगाते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर किसी को गुलामी से बाहर निकालना है तो वो स्वयं निकल सकता है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, बस सिर्फ इतना करना होता है कि उसे एहसास दिलाना होता है कि वो गुलामी कर रहा है, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुआ है, उसको अगर आप गुलामी का एहसास दिला दोगे तो खुद ही बाहर आ जाएगा। इसलिए मान्यवर काशीराम ने ये प्रदर्शनी शुरू की थी। चलता फिरता अंबेडकर मेला कहाँ कहाँ लगाया था, क्यों लगाया गया था, समाज पर इसका प्रभाव भी किस तरह से पड़ा था, ये सब आपको अभी जानकारी मिली है। सर आपका धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आपका भी धन्यवाद। सभी देखने वालों को जय हिंद, जय बहुजन, जय कांशीराम।
अगर आप भी अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर अपने विचारों को साझा करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9910886670। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके द्वारा भी आप अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।